100 नंबर पुलिस के दरोगा ने किया व्यक्ति पर अत्याचार। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद अमरोहा में फरियाद लेकर आया पीड़ित विजय सिंह निवासी मडियो थाना आदमपुर ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारा दोनों भाइयों का आपस में बंटवारा चल रहा था और आपस के बंटवारे में कहासुनी हो गई और मौके पर 100 नंबर पुलिस के दरोगा ने मेरे ऊपर किसी चीज से वार कर दिया जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मैंने अस्पताल में एक्सरे करवाया है। घटना के बाद में थाना आदमपुर पुलिस के पास पहुंचा, वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं आज एसपी साहब के पास आया हूं और मैं इंसाफ चाहता हूं कि मेरे हाथ का मेडिकल कराया जाए। क्या नाम है आपका? विजय। विजय, कहां के रहने वाले हैं आप? बड़ा बुरा वाले। थाना कौन सा लगता है? आदमपुर। बताइए, आज जो एसपी ऑफिस आए हैं किस संबंध में आए? साहब मतलब अपनी परेशानी लेकर आए हैं। क्या समस्या लेकर आए? समस्या साहब, हमारा बंटवारा चल रहा भाई भाइयों को, मतलब उसमें 100 नंबर अचानक आ गई, हमारे हाथ पैर तोड़ दे जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक साहब, परेशानी में। किसने तोड़ा आपका हाथ? 100 नंबर दरोगा जी है। दरोगा जी, क्या नाम है दरोगा जी का? उनका साहब नाम वो जानकारी नहीं है। तो वो कहाँ पर तैनात है? मतलब वो हमारे घर पर है जी। नहीं, वो तो दरोगा जी आप जो बता रहे हैं वो कहाँ पर है इस टाइम, कौन सी चौकी पर है? लहरा चौकी में है साहब। अच्छा, तो आपने उनसे मैं कोतवाली में शिकायत नहीं की? रहा नहीं साहब, नहीं कही थी हमने। तो आप एसपी साहब के पास आए, क्या चाहते हैं इसमें? हम साहब अपनी ये डॉक्टर रिपोर्ट चाहते हैं, हमारी डॉक्टरी हो जानी चाहिए। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं साहब, छोटे किसान हैं, कमाए खाए का अपना समय करते हैं, पूरा मजदूर आदमी है। तो आपके घर जो पुलिस आई थी, क्यों आई थी? मतलब साहब भाई भाइयों को बंटवारा चल रहा, अचानक पुलिस आ गई 100 नंबर की। हाँ जी। तो आपको आते ही मारने लगे वो लोग? आते ही बिल्कुल साहब, उन्होंने तो पूछताछ करी ही नहीं, एक हट तक ये निकल रहा है, अरे हाथ तोड़ रहा साहब। हाथ तोड़ दिया आपका? हाँ जी। बताया तो उसमें आपने जो कप्तान साहब से मिल लिया आप? नहीं साहब।